गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.4 पूरा कर दिया था, आज हम 2.5 पर चलेंगे। कक्षा 9 गणित और लेक्चर है यह 9 और इसका पेज नंबर है 18। तो एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको फॉर्मूला सूत्र दे रहा हूँ, वो याद याद करने हैं आपको। वैसे इनमें से ज़्यादातर तो आपने अच्छा 8वीं पढ़ लिए होंगे, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर 1, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका मतलब पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, प्लस है तो प्लस, दोनों संख्याओं का गुणनफल का दूना। नंबर 2, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसका मतलब है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस 2xy। तीसरा है, यदि कोई संख्या ऐसी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप की है तो इसका क्या होता है, एक में एक्स प्लस वाई और दूसरे में एक्स माइनस वाई। चौथा है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस पहली दो संख्याओं गुणनफल का दूना, प्लस है तो प्लस माइनस से माइनस प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ध्यान रखना है ये आपको यहाँ पर, यदि दोनों यहाँ पर ये दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। और आप चाहें, चलो इसके बाद में, या मैं ऐसा कर दूँ इसमें, यहाँ पर चल दूसरा भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर 5x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स और वाई का गुणनफल 2xy। अब वाई और जेड का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, प्लस 2yz माइनस और जेड और एक्स का गुणनफल होगा माइनस का 2zx। इसके बाद में है छठा है आपका एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, प्लस है यहाँ पर प्लस, दोनों संख्या गुणनफल का दूना 3xy कोष्ठक में एक्स प्लस वाई। सातवां है एक्स माइनस वाई का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy, यहाँ पर एक्स माइनस वाई। इसके बाद में आठवां है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक कोष्ठक में जाएगा एक्स प्लस वाई, दूसरे कोष्ठक में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो फिर हो जाएगा माइनस, केवल दोनों संख्या होने पर एक्स वाई। नौवां है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस एक्स वाई। इसके बाद में
दसवां सूत्र आता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होते हैं तो जो फॉर्मूलाज लगभग आएंगे आपके 10 ही, 10 मैंने आपको बता दिए गए। इसके लिए एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने के लिए इनमें से हमको जिसकी जरूरत पड़ेगी उनको हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.5 पर चल रहे हैं। 2.5 है आपका पहला है, एक और है वैसे दे जरूरत नहीं है उसकी। 11वां एक्स प्लस ए, दूसरे में एक्स प्लस बी, ऐसा है तो क्या होता है इसका एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये होता है, ये आपके फॉर्मूलेज हैं। जो अब यहाँ पर हम सवाल कर देखेंगे, ये सवाल जो हैं एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 10, एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 10, 3x+4, 3x-5, अब वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। और इनमें मैं करता हूँ पहले तीसरा करूँगा और एक चौथा कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर एक का है, थर्ड है, एक्सरसाइज है 2.5 और ये है क्वेश्चन आपका 3x+4, 3x+4। दूसरे कोष्टक में है 3x-5, 3x-5। तो समीकरण जो हमारा सूत्र 11 है उसमें क्या है, एक्स के स्थान पर क्या है 3x और ए के स्थान पर क्या है 4 और बी के स्थान पर क्या है 5। तो इसको कर सकते हैं हम 3x का होल स्क्वायर प्लस ए के स्थान पर है कितना 4, 4 बी के स्थान पर माइनस 5, माइनस 5 इंटू एक्स। और यहां पर ए भी है, ए के स्थान पर है 4 प्लस 4 इंटू माइनस 5 और बराबर हो जाएगा इसका 9x2। यहां पर माइनस एक्स सॉरी यहाँ 3x है, ये होगा 3x माइनस 3x और 4 5 20 माइनस 20 और यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग, फिर ए के स्थान पर 4 है, बी के स्थान पर माइनस 5 है, 4 माइनस 5 इंटू पहली संख्या 3x। अब इसके बाद में ए प्लस ए और बी रख दिया, उत्तर आ गया आपका। इसके बाद में इसका है क्वेश्चन नंबर एक का ही फोर्थ है और एक्सरसाइज है 2.5। ये है आपका वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो हम देख रहे हैं यह सूत्र हमारा जो कौन, यह है हमारा तीसरा। तो एक कोष्टक में प्लस की संख्या प्लस है, दूसरे कोष्टक माइनस है, तो ऐसा होता है तो इन संख्याओं का वर्ग हो जाता है, बीच में माइनस चिन्ह होता है। तो वाई स्क्वायर की घात 2 - 3/2 की घात 2 और बराबर हो जाएगा ये वाई की घात 4 -
और माइनस 9/4, और यही आपका उत्तर हो जाएगा भाई साहब। इसके बाद में हम इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। आप स्वयं कर लेंगे, 103 है इसको कर देंगे 100+3, और 107 है इसको कर देंगे 100+7। और जो सूत्र हमारा जो है अभी बताया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड के लिए उस सूत्र का इस्तेमाल कर देंगे। ऐसे सेकंड वाला है 95 × 96, 95 को 100 − 5, 96 को 100 − 4 कर देंगे, और 104, 100+4 और 96 को 100 − 4, इनको आप स्वयं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 3 है, आप देख रहे होंगे पुस्तक मेरे पास में है। उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो इसको मैं चलो 2 को करता हूं, प्रश्न नंबर 2 को, खंड 2 को। अब पहले को कर लेंगे आप क्या, वाई यहाँ 9y², 9x² + 6xy + y², इसको क्या करेंगे, 3x² यहाँ पर वाई का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x×y×2 हो जाएगा, ये बन जाएगा ये, तो 3x + y² बन जाएगा। अब सेकंड है और थर्ड वाला है x²−y²/100, बीच में माइनस का चिन्ह है, दोनों तो तरफ भाग संख्या, इसको लिख सकते हैं x²−y/10² समझ रही मेरी बात को, x²−y/10² तो एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना, एक बार हो जाएगा x+y/10, और दूसरे में कोष्ठक में हो जाएगा x−y/10, और सेकंड को मैं करके कर रहा हूँ 4y²−4y+1। क्वेश्चन नंबर 3 का है, सेकंड एक्सरसाइज है 2.5, यह है 4y²−4y+1। तो हम जानते हैं ऐसी संख्या है, तो ये क्या होगा, इसको हम लिख देंगे बराबर करके 2y² और प्लस 2×2y·1, और यहाँ पर प्लस −1² तो क्या हो गया, ये बन गया आपका 2y−1² ये आपका सवाल हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर भाई साहब आपका क्वेश्चन 4, उपर्युक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब ये सारे सवाल एक तरह के हैं, आप चाहेंगे तो मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर है 1/4a − 1/2b+1² ये कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है आपका
सिक्स्थ है ये खंड और एक्सरसाइज है 2.5। यह है इसका 1/4 ए प्लस नहीं सॉरी माइनस है, यहाँ प्लस नहीं माइनस 1/2 b, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस वन का करना है होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो उससे बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 × 1/4 a और इंटू -1/2 b प्लस 2xy प्लस 2yz, 2yz पर क्या यहाँ पर गुणा -1/2 b गुणा 1 और प्लस 2zx, 2 × 1 × 1/4 a। आप देख बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1/4 करेंगे तो 1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 b² प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस हो जाएगा, -1/4 ab माइनस 1/4 ab। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 से यह 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस बी माइनस बी। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 से यह 2 बार कटेगा तो क्या बचेगा, प्लस 1/2 a, और यही आपके सवाल का उत्तर होता है। इसके बाद में मैं बाकी खंडों को आप स्वयं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इसके बाद में मैं चल रहा हूं खंड आपका क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड कीजिए। अब इसमें मैं 5 के सेकंड को करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 का है ये सेकंड एक्सरसाइज है 2.5। ये है हमारा 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे वर्ग संख्याओं के रूप में, इसको लिख सकते हैं √2x² प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 8। 8 का मतलब होगा √8, 2√2 z का होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे वर्ग करते हैं 2 √2 का 2 हो जाएगा, 2 का 4, 4 × 8 हो गया। अब माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। आप लिखेंगे
यही दिखा दूं मैं यहां पर, यहां ए के स्थान पर है अंडर रूट 2x, बी के स्थान पर है वाई और सी के स्थान पर है हमारा 2 अंडर रूट 2 जेड। और सूत्र होता है हमारा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर क्या करेंगे बराबर, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखते हैं प्लस, पहली दो संख्याओं के गुणनफल का दूना 2 इंटू पैसे में क्या है पहली संख्या हमारी अंडर रूट 2 एक्स टू सॉरी अंडर रूट 2 एक्स और इनटू दूसरी संख्या हमारी वाई, तीसरी है हमारी प्लस 2bc 2 इंटू वाई इंटू 2 अंडर रूट 2 जेड और फिर है प्लस 2ca 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 जेड इंटू अंडर रूट 2 एक्स। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि या ऊपर वाला हमारा आ रहा है 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई, 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई, इसका मतलब एक्स और वाई में दोनों में से एक माइनस का है, एक्स और वाई दोनों में से एक माइनस का है। दूसरा वाला आता है हमारा 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, इसका मतलब वाई और जेड दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं। इसके बाद में आता है 8 एक्स जेड, इसका मतलब एक्स और जेड दोनों में से कोई एक माइनस का है। यदि हम जेड को माइनस मान लें और एक्स को प्लस का मान लें तो माइनस का हो जाएगा, और जेड को माइनस मान लें वाई को प्लस का मान लें तो ये जेड को माइनस का मान लें और वाई को भी माइनस का मान लें तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाई का माइनस माने तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो किया है इसमें हम कर सकते हैं माइनस, और Z को भी कर सकते हैं यहाँ पर माइनस। ध्यान रखना ये माइनस का चिन्ह है, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये Y माइनस का हो जाएगा, Y माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा ये यहाँ पर माइनस का है और X प्लस का है। अब तो हम देख रहे हैं क्या हो गया, अंडर रूट 2x माइनस अंडर वाई माइनस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 अंडर रूट 2 2 इंटू अंडर रूट 2x इंटू माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 2 माइनस 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस 2 अंडर रूट 2 जेड और 2 इंटू माइनस 2 अंडर रूट 2 जेड प्लस अंडर रूट 2, तो इसका कितना होता है 2 2 4 और इसका हो जाएगा 8, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम अब यहाँ पर अंडर रूट 2 एक्स माइनस वाई माइनस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, और यही आपका सवाल हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, तो इसको घन को खोलना है आपको, स्वयं कर सकते हैं इसको, तो सूत्र लगाएंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कर देंगे कर लेंगे। तो अब है उपयुक्त संरचनाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, 99 इसको लेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब, 100 प्लस 2 का होल क्यूब और 1000 माइनस 2 का होल क्यूब कर लेंगे अपने आप। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए,
अब इसमें से मैं आपका चौथा और पांचवा, चौथा करने जा रहा हूं, पहले पांचवा करूंगा, पहले शायद आपका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर पांचवा करूंगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ है, एक्सरसाइज है 2.5। यहाँ है प्रश्न है आपका, ये 27 PQ, 27 PQ माइनस एक एक बटे 216, माइनस 1/216, माइनस 9/2 पी स्क्वायर, प्लस 1/4 पी। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 पी का क्यूब माइनस 36 और 6 36 और 6 36। हाँ तो इसको लिख देंगे हम 1/6 का क्यूब। अब यहाँ में से हमको इसमें से ऐसा कॉमा लेना चाहिए जिससे कि यहाँ पर पहले 3p आ जाए, उसके बाद में माइनस, यहां पर कॉमन ले लें हम 3/2 p। तो क्या हो जाएगा, 3 3/2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3p। माइनस कॉमन लिया तो माइनस बन जाएगा, और यहां हो जाएगा 2/3 1/6 बन जाएगा। अब बराबर हो जाएगा ये आपका 3, इसको कर सकते हैं 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3 गुणा, पहली संख्या हमारी कितनी है 3p, और दूसरी संख्या कितनी हमारी 1/6। तो देखो 3 से कट गया 2 बार, 3/2 p आ गया, और यहाँ पर 3p माइनस 1/6, और ये बराबर हो जाएगा आपका 3p माइनस 1/6 का क्यूब बन जाएगा, और यही आपका उत्तर होगा। धन्यवाद। आगे क्लास हम अगले टर्न पर करेंगे, आप इनको सवालों को अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।